हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप लोग अच्छे से हैं? ये कुछ वाक्य आपके स्क्रीन्स पे दिखाई दे रहे हैं, आइए चलिए इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। रीना, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बच्चे लोग, रीना वॉज हैप्पी। रीना वॉज हैप्पी। आगे पढ़िए, शी टॉक्ड हैप्पीली। ठीक है, माई टीचर वॉज एंग्री, ही शाउटेड एंग्रीली। द लैम्प वॉज ब्राइट, इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द टॉर्टोइस इज स्लो, इट मूव्स स्लोली। Mohan is quiet, he speaks quietly. The sum was easy, they solved it easily. The girl is smart, she behaves smartly. The boy was foolish, he answered foolishly. Hina was cheerful, she talked cheerfully. आपको लगा कि कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, यहां happy से happily, angry से angrily, bright से brightly, slow slowly, quiet quietly, easy easily, smart smartly, foolish foolishly, cheerful cheerfully. बन रहा है? आइए इन वाक्यों का अर्थ समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई इसमें क्या समानता है। देखिए, रीना वॉज हैप्पी। रीना खुश थी, हैप्पी का मतलब खुश। रीना खुश थी। रीना नाउन है, खुशी, खुश थी, हैप्पी थी, शी वॉज हैप्पी। ये है एडजेक्टिव, कैसी थी रीना? खुश। शी टॉक्ड हैप्पीली, तो वो बातचीत कर रही थी खुशी से। उसकी बातचीत कैसे हो रही थी? खुशी से हो रही थी। टॉक क्या है? वर्ब, आप पढ़ चुके हैं पहले। और वो खुशी से बात कर रही थी। कैसे बात कर रही थी? खुशी से। वो खुश थी इसलिए वो खुशी से बात कर रही थी, खुशी खुशी बात कर रही थी। ये खुशी से शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बातचीत की। उसकी बातचीत कैसे हो रही थी? खुशी से हो रही थी। इसलिए ये वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द है हैप्पीली। वर्ब है टॉक्ड, ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम नाम देंगे एडवर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और ये एडवर्ब बनी कैसे? एडजेक्टिव में हमने क्या जोड़ा? ly। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ये y जो था वो i में चेंज हो गया, ly जोड़ा खुशी से। मतलब क्या हो गया? रीना वॉज हैप्पी, शी टॉक्ड हैप्पीली। हैप्पीली यानी खुशी से। ये खुशी से जो शब्द आया ये इस बातचीत की विशेषता बता रहा है कि बातचीत कैसे हो रही है? खुशी से हो रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। अगला वाक्य देखिए, माय टीचर वॉज एंग्री, मेरे टीचर नाराज थे। ही वॉज एंग्री, ही शाउटेड एंग्रीली, वो चिल्लाए गुस्से से। शाउट चिल्लाना, चिल्लाए, चिल्लाने की विशेषता। किस तरह से चिल्लाए? वो गुस्से से। तो गुस्से से ये शब्द क्या हो गया? इस शाउटेड की विशेषता बता रहा है
ये शब्द क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. अब देखिए, द लैम्प वॉज ब्राइट. लैम्प बहुत ब्राइट था, चमकदार था. इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली. वो कैसा चमक रहा था? बहुत चमकीला, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा था. ठीक है, बहुत चमकदार था, बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था. इट वॉज शाइनिंग. शाइनिंग का मतलब भी चमकना. ब्राइटली बहुत उजाले से, बहुत प्रकाश से. ब्राइटली प्रकाश से, प्रकाश से चमक रहा था, उजाले से चमक रहा था. इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली. उसका प्रकाश बहुत तेज था, तो वो प्रकाश से. ये शाइन करने की विशेषता बता रहा है. ब्राइटली ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. आया समझ में? आप किस तरह से एलवाई जोड़ के बना रहे हैं, ये चीज बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग. द टॉर्टॉइज इज अ स्लो. द टॉर्टॉइज इज स्लो. टॉर्टॉइज यानी कछुआ. वो देखिए आपके स्क्रीन पे, कछुआ धीमा चलता है, धीमा मूव करता है, स्लो होता है. इट मूव स्लोली, धीरे से. ये धीरे से क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. समझ में आया? मोहन इज क्वाइट. मोहन शांत रहता है, चुपचाप रहता है. ही स्पीक्स क्वाइटली. वो कैसे बोलता है? धीरे से बोलता है, चुपचाप, बहुत क्वाइट जवाब देता है, धीमे से, धीमे स्वर में. तो स्पीक बोलने की विशेषता बता रहा है, धीमे स्वर में. तो ये बोलना क्रिया, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब, धीमे स्वर में. आया समझ में आपको? इसी तरह से देखिए, द सम वॉज इजी. सवाल सरल था. दे सॉल्व्ड इट इजीली. उन्होंने इसे कैसे सॉल्व किया? आसानी से. इजीली आसानी से. सॉल्व करना, हल करना. हल करने की क्रिया कैसे हुई? आसानी से हुई. ये हल करना, सॉल्व यानी हल करना. सॉल्व करने की क्रिया, सॉल्व है वर्ब. कैसे सॉल्व किया? आसानी से. हाउ द एक्शन वॉज डन. कार्य कैसे हुआ, क्रिया पूरी कैसे हुई, इस शब्द को बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इसके बाद देखिए, द गर्ल इज स्मार्ट. लड़की स्मार्ट है. शी बिहेव स्मार्टली. वो कैसा व्यवहार करती है? बहुत ही स्मार्टली व्यवहार करती है, स्मार्टनेस से व्यवहार करती है. स्मार्टली, स्मार्टनेस से, स्मार्टनेस से. बहुत स्मार्ट होके, बहुत चतुर, चतुराई से. अब स्मार्टनेस से या चतुराई से, क्लेवरली, चतुराई से, स्मार्टली, बहुत, शायद चतुराई भी फिट हो जाए यहां पे. स्मार्टनेस से अगर ना समझ में आया तो चतुराई से. ठीक. द बॉय वॉज फूलिश. लड़का मूर्ख था. ही answered foolishly. उसने जवाब कैसे दिया? मूर्खता से जवाब दिया. जो उसने जवाब दिया मूर्खता से, वो आंसर करना वर्ब हो गया, मूर्खता से एडवर्ब हो गया. समझ में आया अच्छी तरह से? अब देखिए, हिना वॉज चेयरफुल. हिना बहुत चेयरफुल, खुश मिजाज है. शी टॉक चेयरफुली. उसने बहुत खुश मिजाजी से बातचीत की. खुश मिजाजी से, तो उसने बातचीत की खुश मिजाजी से, चेयरफुली बातचीत की. ये बातचीत करने का को यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि किस तरह से उसने बातचीत की. तो उसने खुशमिजाजी से, चेयरफुली बातचीत की. तो ये हो गया चेयरफुली, जो हो गया ये क्या है? एडवर्ब हो गया. एडवर्ब्स को आपने देखा, अगर हम सारे विशेषण में एलवाई एलवाई जोड़ते चले, जिसमें लास्ट में वाई आया है बेटा, वहां पे उसको आपको आई में बदलना है. ये देखिए, हैप्पी, एंग्री, इजी. ठीक है, इनमें से आप वाई को हटा दीजिए और उनकी जगह लगा दीजिए आई. बाकी आप सिंपली, आपने एलवाई जोड़ा और आपने एलवाई ऐड करके क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया.
समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी एडवर्ब्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे इतना आपको जानना जरूरी है कि किस तरह से एडवर्ब्स बनाई जाती हैं। एडवर्ब्स होती क्या हैं? एडवर्ब्स होती हैं वो शब्द, वे वर्ड्स जो कि कार्य क्रिया को डिस्क्राइब करें, क्रिया को वर्णित करें, क्रिया कैसे हुई। जैसे बातचीत की क्रिया खुशी से, चिल्लाने की क्रिया गुस्से से, चमकने की क्रिया प्रकाश से, चलने की क्रिया धीरे से, बोलने की क्रिया धीमे स्वर में, हल करने की क्रिया आसानी से, व्यवहार करने की क्रिया चतुराई से, स्मार्टनेस से, आंसर देने की क्रिया मूर्खता से, यहाँ पे बातचीत करने की क्रिया खुशमिजाजी से। तो जो क्रियाएं जिस प्रकार से हो रही, ये सारे किस तरह से हो रही, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। आ गया समझ में अच्छी तरह से? आइए अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आया है। लेट्स डू इट में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लेट्स डू इट अभी करने वाले हैं, ये आपके इंग्लिश टीचर की डायरी है। आपके इंग्लिश टीचर की डायरी मैंने देखी, उसमें उन्होंने कुछ बच्चों का नाम लिखा था और उनकी विशेषताएं लिखी थी कि उनका काम किस तरह से होता है, वो पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, स्पेलिंग कैसे करते हैं, स्पेल कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, सुनते कैसे हैं, ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है। और उनकी डायरी से मैं ये लेके आई हूँ आपकी एक्सरसाइज के लिए। आपके बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, नंबर एक पे हैं शीना। शीना के बारे में लिखा है उन्होंने, स्पीक फ्लुएंट। फर्स्ट वन मैं आपको बता देती हूं, शीना स्पीक फ्लुएंट, तो ये हो जाएगा शीना स्पीक्स फ्लुएंटली। किस तरह से आपको बनाना है, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगी यहां पे। चलिए फर्स्ट वन को मिटा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट में मैंने बताया, आपने देखा बोर्ड पे शीना स्पीक फ्लुएंट, तो ये हो जाएगा शीना स्पीक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली, फ्लुएंट में आपने क्या जोड़ दिया, एलवाई, शीना धारा प्रवाह, बोलती है, हो गया। आ गया समझ में अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब है रंजन राइट परफेक्ट, बन जाएगा जैसे शीना का किया हमने, स्पीक को स्पीक्स कर दिया एक वचन है तो, और फ्लुएंट में फ्लुएंटली, उसी तरह से रंजन राइट परफेक्ट। थर्ड वन आशु रीड नाइस, बनाते जाइए, अच्छे से बनना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल है बेटा। सिद्धि स्पेल करेक्ट, रीता राइट केयरफुल, शुभम लिसन अटेंटिव, बन जाएगा, जल्दी से बनाइए इसको, ये आपके इंग्लिश टीचर की डायरी है और इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई आपने इंग्लिश टीचर की डायरी पढ़ ली और आप समझ गए। अब हम आते हैं अपने लेट्स स्पीक वाले पार्ट पे। लेट्स स्पीक के पार्ट पे भी आपको वही काम करना है। यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, आपको उसको बोलना है पूरी तरह से कंप्लीट करके। राधा लर्न क्विक, सुधा राइट नीट, निभा स्पीक सॉफ्ट, रमन प्रे साइलेंट, अरुण बिहेव पोलाइट। मैं समझती हूँ आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे इसको। और आपको वाक्य बोलना है एक एक करके, सारे बच्चे ये जितने वाक्य यहाँ पे हैं इनको कम्प्लीटली, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वन है राधा लर्न्स क्विकली, ठीक है, राधा लर्न्स क्विकली, इसी तरह से सुधा राइट नीट, बनाते जाइए। आप पूरे जब तक सारे बच्चे वाक्य नहीं बोल लेंगे तब तक आपकी क्लास खत्म नहीं होगी। अगली कक्षा में मिलते हैं हम आपसे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।